क्या दोस्तों आपका भी मोबाइल फोन लेट चार्ज होता है, यानी कि 2 से 3 घंटे में चार्ज होता है आपका स्मार्टफोन, तो फिक्र मत करिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला कि आखिर जो आप अपने स्मार्टफोन को, आपका अगर पुराना फोन है या मोबाइल फोन अगर आपका पुराना है, तो आप जो किस तरीके से फास्ट चार्ज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो किस तरीके से एनेबल कर सकते हो अपने डेवलपर ऑप्शन को, तो वो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को, यानी कि अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो अपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अगर आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आपको जो क्या करना है, अपने अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद नीचे की तरफ आपको जो है एक बिल्ड नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको जो अपने बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार टैप करना है तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, यानी कि आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे यहां पर डेवलपर ऑप्शन यहां पर एडिशनल सेटिंग में मुझे मिलेगा, तो यहां पर मैं एडिशनल सेटिंग में करूंगा और यहां पर मेरे सामने डेवलपर ऑप्शन यहां पर दिख जाता है। तो मैं डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां पर जो ये आपका ऑन ऑफ हो रहा होगा, यानी कि ऑफ हो रहा होगा, तो इसको जो आपको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद फिर जो आपको क्या करना है, फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो यहाँ पर एक नेटवर्क का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो नेटवर्क का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको तीसरे या चौथे नंबर पर आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर जो इसको आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद फिर आपको जो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, 5 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 5 में से आपको जो सेकंड वाले ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना है, MTP को क्लिक कर देना है। और इससे जो क्या होगा कि ये जो आपका जो, अगर आपके स्मार्टफोन में अगर आप नॉर्मल चार्जर लगाते हो तो ये वाले अगर आप चार्जिंग पर ही क्लिक करके इसको चार्ज करते हो तो आपका जो स्मार्टफोन जो है डिटेक्ट कर लेता है कि आखिर जो ये जो चार्जर है या यूएसबी है ये एक नॉर्मल चार्जर है। और अगर आप इसके पास इसको एमटीपी पर सेलेक्ट करने के बाद अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो यहाँ पर जो आपका स्मार्टफोन जो है डिटेक्ट नहीं करेगा, आपको मतलब इसके स्मार्टफोन को पता ही नहीं चलेगा कि ये स्मार्टफोन जो आप यूएसबी या चार्जर से चार्ज कर रहे हो ये फास्ट चार्जर है या स्लो चार्जर है। तो यहाँ पर जो आपका स्मार्टफोन जो है फास्ट चार्ज होगा। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई कि अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज किस तरीके से कर सकते हो। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो गाइस वीडियो शेयर कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।